अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो का सीन ये है कि आज मैं अपने क्लाइंट की ब्राइडल फार्मूलेशन तैयार कर रहा था। प्री स्टार्टर फार्मूलेशन है ये, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कैसे फार्मूलेशन तैयार कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ कितनी रेशो में डाल रहा हूँ, कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा हूँ प्री स्टार्टर फार्मूलेशन बनाने में। चलते हैं फार्मूलेशन की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फार्मूलेशन की तरफ। तो ये जो फीड फार्मूलेशन आप अपने सामने देख रहे हैं, ये प्री स्टार्टर फार्मूलेशन है। तो ये आपके सामने है, इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इसको सेट किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मकई की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी फार्मूलेशंस में बताया कि मकई एक सेफ़ सीरियल होता है, एक सेफ़ रॉ मटेरियल होता है, इसलिए हम इसको बहुत हाई क्वांटिटी में यूज़ करते हैं और ये बर्ड्स को खाने में पसंद भी बहुत है। तो इसलिए सबसे पहले प्री स्टार्टर फार्मूलेशन में मकई मैंने 580 किलो सेट की है। रिमेंबर ये 1000 किलो का फीड फार्मूला है, ठीक है, 20 बैग्स का फीड फार्मूला है। ये मैं आप लोगों को बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि इतनी ज़्यादा चीज़ डाल रहे हो और पता नहीं कौन सा फार्मूला है। तो ये याद रखिएगा, ये 1000 केजी की फार्मूलेशन है 20 बैग्स की। सबसे पहले इसमें मकई है 580 केजी। सेकंड नंबर पे जो रॉ मटेरियल है वो है ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। अब वेजिटेबल ऑयल में आप सोयाबीन का ऑयल यूज़ कर सकते हैं या आप कैनोला का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इन दोनों में से कोई भी एक ऑयल यूज़ करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो रॉ मटेरियल मैंने ऐड किया है वो है ग्वार मील। अब ग्वार मील मैंने इस फार्मूलेशन में, प्री स्टार्टर फार्मूलेशन में 30 किलो ऐड किया हुआ है, 30 केजी। उसके बाद नेक्स्ट रॉ मटेरियल जो है, जो कि मकई के बाद सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है, वो होता है सोयाबीन मील। अब सोयाबीन मील भी अगेन एक सेफ रॉ मटेरियल है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं। तो इस प्री स्टार्टर फार्मूलेशन में सोयाबीन मील की जो अमाउंट है मैंने 300 किलो रखी हुई है, 300 केजी। उसके बाद एनिमल ओरिजिन की बात कर ली जाए तो फ़िश मील जो है 35 किलो तक आप यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ जोन है, बर्ड पसंद करेगा, जो छोटा चूजा है इसको खाना पसंद करेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको इतनी रेशो में नहीं मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कैनोला मील की। तो कैनोला मील मैंने इस फार्मूलेशन में 39 केजीज डाला है, प्री स्टार्टर की फार्मूलेशन में। तो ये रॉ मटेरियल से अब आ जाएँ केमिकल्स पे या सप्लीमेंटेशन पे। सबसे पहले है प्रीमिक्स। तो प्रीमिक्स मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इस फार्मूलेशन में प्री स्टार्टर में मैंने प्रीमिक्स डाला है 3 केजी। उसके बाद बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स पे। तो सबसे पहले डीएल मेथायोनिन है जो कि मैंने इस फार्मूलेशन में डाला है 350 ग्राम। उसके बाद बात कर लेते हैं लाइसिन पे। इस फार्मूलेशन में लाइसिन सल्फेट का मैंने यूज़ किया, लाइसिन HCl का यूज़ नहीं किया। तो लाइसिन सल्फेट इस फार्मूलेशन में तकरीबन 1 किलो 700 ग्राम है, तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्ट लाइसिन इस फार्मूलेशन में 1 किलो 700 ग्राम है लाइसिन सल्फेट। उसके बाद बात कर लेते हैं कोलीन क्लोराइड पे। तो इस फार्मूलेशन में कोलीन क्लोराइड जो है वो 1.5 किलो है, 1 किलो 500 ग्राम। उसके बाद बात कर लेते हैं टॉक्सिन बाइंडर पे। इम्पोर्टेड कोई भी अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूलेशन में टॉक्सिन बाइंडर की डोज मैंने रखी है 1 किलो। उसके बाद बात कर लेते हैं लिंकोमाइसिन, मैंने इसमें ऐड किया हुआ है 200 ग्राम। वो इसीलिए क्योंकि हमने इसमें फ़िश मील का यूज़ किया है। तो जब भी आप एनिमल ओरिजिन थोड़ा बहुत यूज़ करें तो उसमें थोड़ा बहुत जो है ना लिंकोमाइसिन डाल लिया करें, बर्ड के लिए बेहतर है, इंटेस्टाइन की ग्रोथ के लिए बेहतर है। उसके बाद बात कर लेते हैं सॉल्ट पे। तो सॉल्ट इस फॉर्मूलेशन में मैंने डाला हुआ है तकरीबन 1 किलो 250 ग्राम। उसके बाद मीठा सोडा है जो कि आपको नॉर्मल कहीं से भी मिल जाएगा। मैं ICA का यूज़ करता हूँ क्योंकि उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है, पाकिस्तान में ये इजीली अवेलेबल है। तो इस फार्मूलेशन में सोडे की डोज जो है वो मैंने 2 किलो सेट की हुई है। प्री स्टार्टर की फार्मूलेशन में 1000 किलो का फार्मूला तैयार हो गया। अब बात कर लीजिए इसकी कीमत पे। तो इसकी कीमत जो है इस फार्मूलेशन में 2500 के आसपास इसकी कीमत बन रही है इस फार्मूले के। अगर आप ये पाकिस्तान की प्राइस है, इंडिया की नहीं है। अगर आप कमर्शियल देखो तो जो प्री स्टार्टर की प्राइस है वो तकरीबन 2900 से लेके 3000 या 3100 तक जाती है। 2900 से लेके 3000 रुपये पर बैग कॉस्ट आती है प्री स्टार्टर की। और ये आपने अपनी फार्मूलेशन अगर तैयार की है तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 2500 के आसपास आएगी। ये इससे सस्ता भी हो सकता था लेकिन उसमें फिर कुछ ना कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, कुछ रॉ मटेरियल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा इसको मज़ीद सस्ता करना। तो ये बहुत सेफ़ जोन में बहुत सस्ता फीड फार्मूला है। उसके बाद मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताता जाऊँ।
सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन पे। तो इस फॉर्मूलेशन की जो प्रोटीन है वो 23.2 है, 23.2% प्रोटीन है इस फॉर्मूलेशन की। उसके बाद एनर्जी की बात कर ली जाए तो तकरीबन 2832 किलो कैलोरी एनर्जी मैंने इस फॉर्मूलेशन में सेट की हुई है। उसके बाद लाइसिन की बात कर ली जाए तो 1.28% इसमें लाइसिन सेट किया हुआ है। लाइसिन के बाद मेथियोनीन होगा एंड पे, मेथियोनीन मैंने सेंड किया है 0.44%। उसके बाद कैल्शियम की या मिनरल्स की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम पहले प्री स्टार्टर में, क्योंकि बर्ड को इतना ज़्यादा कैल्शियम स्टार्ट में नहीं चाहिए होता, तो 0.4% मैंने इसमें कैल्शियम सेट किया हुआ है। उसके बाद फॉस्फोरस की बात कर ली जाए तो 0.3% फॉस्फोरस सेट किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं फैट और फाइबर की, तो फैट इस फॉर्मूलेशन में 3.6% है। फाइबर की बात कर ली जाए तो फाइबर 4.3% है, ताकि चूज़े में इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज ना हो, और क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चूज़े में योक्स होती हैं जो कि डिसॉल्व होनी चाहिए जल्दी, तो जितना फाइबर फीड में होगा उतना जल्दी जो बर्ड है अपनी योक को डिसॉल्व कर पाएगा, चूज़ा अपनी योक को डिसॉल्व कर पाएगा और अर्ली चिक मोर्टेलिटी से आप लोग बच पाएंगे। इसलिए फाइबर की रेंज 4% से ऊपर रखनी चाहिए। तो ये फॉर्मूलेशन है जो मैंने प्री स्टार्टर की सेट की है। तो ये था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।